थाना सदर भलवाल पुलिस ने तशद्दुद के दौरान नौजवान मार दिया। मतवफी वालिदैन का अकलौता बेटा था गुटखा का, पुलिस के खिलाफ मातम। चेक नंबर 2 शुमाली रहायशी मतवफी के वालिद मोहम्मद इकबाल ने बताया कि मेरा बेटा अजहर इकबाल मोटरसाइकिल मैकेनिक था, जिसे थाना सदर भलवाल पुलिस ने 6 अहलकारों ने इसकी दुकान से 4 दिन पहले उठाया और थाना हवालात में बंद कर दिया। पुलिस अहलकार मेरे बेटे पर मुसलसल वहशियाना तशद्दुद करते रहे और इल्जाम लगाते रहे कि ये मोटरसाइकिल चोरों का साथी है। फिर पुलिस वाले कहते थे कि 3 लाख रुपए दो तुम्हारा बेटा छोड़ देते हैं, हमसे इतनी रकम ना बन सकी, वो तशद्दुद करते रहे, हमने आज 1 लाख रुपए दिया। पुलिस थाना सदर बलवाल ने मेरा बेटा अजहर इकबाल डिबे मरग हालत में थाने से बाहर लाकर दे दिया। हम अजहर इकबाल को मुकामी अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए लेकर गए। बलवाल अस्पताल में हालत गैर हो गई, अमले ने सरगोधा इमरजेंसी DHQ अस्पताल रेफर कर दिया। मेरा बेटा अस्पताल पहुंचने से पहले जख्मों की ताब ना लाते हुए रस्ते में ही दम तोड़ गया। एक बेटा दिल का अटैक होने से मर गया, दूसरा बेटा पुलिस ने वहशियाना तशद्दुद करके मार दिया। कहा बाप किससे इंसाफ की भीख मांगे। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस तशद्दुद की इत्तला मिलते ही DPO सरगोधा ने SHO लतीफ भट्टी, ASI एजाज भट्टी, मुंशी साहिद भट्टी समेत 6 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। अजहर इकबाल की मौत के जिम्मेदार मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया और मतवफी का पोस्टमार्टम करवाने और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना सिटी भलवाल पुलिस की निगरानी भिजवा दिया गया। गुर्जा का कहना है कि वजीर अला पंजाब, IG पंजाब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान असकूद नोटिस से रिपोर्ट कर रहे थे। अब्दुल गफ्फार भट्टी, ग्रेट न्यूज़, सरगोधा।